Welcome to the world of chemistry. Myself, Professor Sanket Jayate. Today, we are going to discuss about the electron distribution in octahedral complexes. The last lecture में हमने देखा था कि octahedral में splitting कैसी होती है, tetrahedral में splitting, the splittings in the square planar complexes. So at that time, in octahedral complexes, the splitting is exactly opposite अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था, ईजी ऊपर जाते हैं और टी टू जी नीचे और बदलाते हैं। मतलब हमारे पास पांच डी के सब ऑर्बिटल्स रहते हैं, उसमें से दो ईजी के ऊपर जाते हैं और तीन टी टू जी के इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स नीचे आते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, टेट्राहेड्रल इसके अपोजिट है। आज हमें सिर्फ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग देखना है। तो यह ध्यान में रखना कि ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग हमेशा कैसी होगी, दो ऑर्बिटल्स ऊपर जाएंगे ईजी के और टी टू जी के तीन ऑर्बिटल्स नीचे आएंगे। लेकिन सिर्फ स्प्लिटिंग हो गई इतना सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्प्लिटिंग इज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिगैंड। तो स्प्लिटिंग कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है। व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटिंग? स्प्लिटिंग हो रही मतलब क्या हो रहा कि हमारे पास जो डी जनरेट डी ऑर्बिटल, मतलब सेम एनर्जी लेवल के पांच सब ऑर्बिटल्स है, उनमें से दो की एनर्जी बढ़ रही और तीन की एनर्जी कम हो रही। मतलब एनर्जी डिफरेंस आ रहा। तो ये एनर्जी डिफरेंस जितना ज्यादा, इट मींस द स्प्लिटिंग इज ग्रेटर। मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगी उतनी उसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, राइट साइड में हमने लिखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, यहां पे एनर्जी गैप ज्यादा है। द एनर्जी गैप बिटवीन ईजी एंड टी टू जी इज मोर, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और लेफ्ट साइड में देखिए वीक फील्ड लिगैंड, एनर्जी गैप कम हो गया ईजी और टी टू जी का। तो स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है कि एनर्जी गैप ईजी और टी टू जी में कितना होगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर होगा तो वो ज्यादा स्प्लिटिंग करेगा, तो एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, और वीक फील्ड होगा तो कम करेगा। तो ये कहां पे काम आएगा, ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, लो स्पिन लिगैंड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला उसको, क्यों बोला वो देखेंगे आगे। और वीक फील्ड लिगैंड अगर होगा तो उसको क्या बोला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब ये लो स्पिन क्या है, हाई स्पिन क्या है, ये सब क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि डी ऑर्बिटल के जो पांच ऑर्बिटल से उसकी स्प्लिटिंग होगी, और उसकी स्प्लिटिंग हमेशा सेम नहीं होती, उसकी स्प्लिटिंग कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। तो कम कब होती है, जब वीक फील्ड लिगैंड होता है, और ज्यादा कब होती है, जब स्ट्रांग फील्ड लिगैंड होता है। ये हमेशा याद में रखना, मतलब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहेगा। So the splitting of d orbitals of metal is depends on ligands. The maximum splitting is due to strong field ligands, and minimum splitting is due to weak field ligand. तो आज हमें सिर्फ इतना ही करना है कि splitting करनी है, eg के इलेक्ट्रॉन ऊपर, t2g के नीचे, और उनकी splitting एक तो कम होगी या फिर ज्यादा होगी। ये दो केसेस, कम कब होगी, weak field ligand होगा तो, strong field ligand होगा तो ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, तो जब हम मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा रहता है, 3d और बाद में 4s। तो 3d में इलेक्ट्रॉन रहेंगे और लास्ट में 4s में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कौन से करेंगे हम, अगर उसको ऑक्सीजन स्टेट आई तो आउटर मोस्ट वाला एस के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। लेकिन एस में इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, हमें उनसे कोई लेने देना नहीं है। वी आर ओनली डीलिंग विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। 3d में, मेटल के 3d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन है, हमें वही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे VBT में हमने एस के इलेक्ट्रॉन भी देखे थे, 3d के भी देखे थे, सबको कंसिडर किया था। इस केस में CFT में सिर्फ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन देखना है कितने हैं उसके पास। जैसे टिटेनियम 3+, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिए तो टिटेनियम का कितना है, 3d1 4s2,
ओके 3D2 है, ओके स्कैंडियम का 3D1, फॉरेस्ट 2, टिटेनियम का 3D2, फॉरेस्ट 2, टिटेनियम 3+, 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 कौन से करेगा, तो फॉरेस्ट के पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2 और 3D2 में का एक जाएगा, मतलब डी में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसकी सिस्टम क्या हो गई, D1 सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में देखे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से ऑक्सीजन स्टेट उसकी रिमूव करना है, उतने इलेक्ट्रॉन उसके कम करने, तो जितने डी में बचेंगे उसको बोलेंगे उसकी सिस्टम। अब यहाँ पे D2 सिस्टम मतलब डी में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, D3 सिस्टम मतलब डी में 3 इलेक्ट्रॉन बचे। सो इस तरह से हम डी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पहले निकालना है। द फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स आर, अब ये तो जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तब आएगा कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं, ये हायर ऑर्बिटल, डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या बोला वो, एनर्जी गैप है ई जी और टी टू जी में, तो सिंपल है, वो तो पहले ही देखा था कि हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं, तो एनर्जी गैप एक तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है या वीक फील्ड लिगैंड है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। अब सपोज हमारे पास D4 सिस्टम है, कौन सी सिस्टम है, D4, D4 मतलब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करेंगे, तो वो तो हंड्स रूल है सिंपल, कि सबसे कम एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो जो नीचे के T2g ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी कम रहती है और ऊपर के जो 2 ऑर्बिटल है Eg के उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने भरा DXY में, दूसरा भरेंगे DXZ में, तीसरा भरेंगे DYZ में, 3 इलेक्ट्रॉन तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन, एक तो हम ऊपर भर सकते हैं यहां पे दिखाया DZ² में, या फिर चौथा इलेक्ट्रॉन हम नीचे DXY में फिर से पेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे ही रहेगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन अगर नीचे यहाँ रहा DXY में तो पांचवा भी नीचे रहेगा DXZ में, छठा भी नीचे रहेगा, मतलब नीचे के T2 के सभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और सातवां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तक सेम है, चौथा इलेक्ट्रॉन आइधर ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सिंपल है। ये फर्स्ट वाली डायग्राम देखिए, ये एनर्जी गैप डिसाइड करेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ। अब सपोज ये पहला लेते हैं वीक फील्ड लिगैंड वाला, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाला, अब पहला इलेक्ट्रॉन गया पहला सब ऑर्बिटल में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, 3 इलेक्ट्रॉन तक भर दिए। अब यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, वीक फील्ड लिगैंड है, एनर्जी गैप कम है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकता है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर पांचवा उसके बाजू में आएगा, मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊपर जा रहा है, क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, कम है, डेल्टा कम है, तो जहां पे एनर्जी गैप कम होगी वहां पे चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। और ये एनर्जी गैप कम कब रहती है, जब वीक फील्ड लिगैंड रहेगा तभी एनर्जी गैप कम होगी, तो हमें आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन सा है और वीक फील्ड लिगैंड कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरा, दूसरा दूसरा और तीसरा, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम है, चौथा इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो डेल्टा अगर ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी, तो उतनी एनर्जी उसके पास नहीं है यहाँ पे जंप करने के लिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही रहेगा। सो ये एनर्जी डिफरेंस बताएगा हमें कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे, तो ऊपर कब जाएगा, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगी, एनर्जी डिफरेंस कम कब होती है, जब वीक फील्ड लिगैंड रहता है, और नीचे कब रहेगा, जब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहेगा, तब उसको जंप करने को ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, तो एनर्जी डिफरेंस कब होता है, ज्यादा कब होता है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में। तो यहाँ पे हमने वीक फील्ड लिगैंड दिखाया,
तो वीक फील्ड है मतलब उसने स्प्लिटिंग कम करेगा, वीक है मतलब स्प्लिटिंग कम, स्प्लिटिंग कम मतलब एनर्जी डिफरेंस कम, एनर्जी डिफरेंस कम मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो स्मॉल डेल्टा है, स्मॉल डेल्टा मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, दिस इज वीक फील्ड अगेन। इसे बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ स्पिन ज्यादा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन और चार, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब स्पिन कितने हो गए, टू, एक इलेक्ट्रॉन की रहती प्लस हाफ, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, तो कितना होगा, प्लस 4/2, तो इसकी स्पिन ज्यादा है इसलिए उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा। कब, जब वीक फील्ड रहेगा, अगर ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे आता तो वो पेयरिंग करता, तो पेयरिंग की मतलब प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो जीरो हो गया, मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतनी स्पिन ज्यादा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस उसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा मतलब स्पिन कैंसिल हो जाएगी, तो वहां पे स्पिन कम हो जाएगी, इसके प्लस हाफ, और जो यहाँ पे आएगा उसका माइनस हाफ, बचे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, वन स्पिन। तो ये डिसाइड कौन करता, तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये सीरीज में लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है ये बताया गया। तो जो स्टार्टिंग में देखिए आयोडीन से चालू होता है, आयोडीन ब्रोमीन एससीएन क्लोरीन सल्फर नाइट्रोजन एफ ओएनओ, दिज आर द वीक फील्ड लिगैंड्स, ये एक वीक फील्ड लिगैंड्स है, मतलब हैलोजन्स नाइट्रोजन डोनर्स सल्फर डोनर्स ऑक्सीजन डोनर्स, ये सब क्या है, वीक फील्ड लिगैंड्स है। और जैसे जैसे हम नीचे नीचे आएंगे, जैसे एकदम लास्ट में देखिए CO CN CH3 PR3, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हमें ये चाहिए कि जो जो लिगैंड्स यूज होते हैं वो लिगैंड आइदर स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, इतना हमें पता चाहिए। तो हैलोजेंस वगैरह हो गए तो वो वीक फील्ड में जाएंगे, ये जो कार्बन डोनर्स है, कार्बन याद रखना, कार्बन डोनर्स वो सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, CN CO CH3 PR3 NO2- फिनिल बायफिनिल इथिलीन डाइईन पिरिडीन, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद नहीं करने का, लेकिन हमें जो लिगैंड दिए हैं वो हमें पता चाहिए कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि यही डिसाइड करेगी कि हमें इलेक्ट्रॉन चौथा वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर ले जाना है कि नीचे रखना है। अब देखते हैं स्टार्टिंग से बेसिक कि प्रॉब्लम कैसे आते हैं और उसे सॉल्व कैसे करना पड़ता है। तो हमें CFT निकालने के लिए बोलेंगे कि इसकी CFT ड्रॉ करो या फिर उसकी CFT निकालो, EG में कितने इलेक्ट्रॉन है T2G में कितने हैं। तो सपोज हमें एग्जांपल दिया NaCN42-, ये एग्जांपल हमें दिया, तो हमें सिर्फ CFT अगर बोला गया तो हमें सिर्फ इतना निकालना है कि निकेल के डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाकी हमें कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ निकेल के डी में कितने इलेक्ट्रॉन है उतने निकालना है। अब निकेल, निकेल की ऑक्सीडेशन का एटॉमिक नंबर है 28, 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D8 4S2 आएगा, लेकिन हमारे पास निकेल सिर्फ NI नहीं है, NI कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो निकालना है, तो NI की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NI इज +2, कैसे निकाली, तो हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार देखा है। तो ये सबका समेशन जो रहता है ये ब्रैकेट के ऊपर जो दिया है टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट वो आता है, तो NI का निकालना है, तो NI का हो गया +4, NI का निकालेंगे हम तो इसका x लेंगे, CN के ऊपर -1 चार्ज रहता है, ऐसे चार है इसीलिए क्या है 4-1, और ये टोटल चार्ज जो है वो कितना है -2, मतलब टोटल चार्ज इज द समेशन ऑफ ऑल चार्जेस ऑफ द लिगेंड्स एंड मेटल्स एंड द आयंस, -2 इज द टोटल ऑफ समेशन ऑफ निकेल एक्स प्लस साइनाइड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू +2 आ गया, मतलब हमारे पास NI +2 स्टेट में है,
प्लस टू स्टेट में है, मतलब क्या उसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। तो ये 3d8 4s2 में से दो इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे बाहर वाले, बाहर के कौन से रहते, एस के, हमेशा एस के इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेंगे, तो एस के दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसकी प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट है इसलिए। तो बचे क्या, 3d8। अब 3d8 मतलब हमारे पास d8 सिस्टम है, d8 सिस्टम में मतलब क्या कि d में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, फील करना है। तो ये एग्जाम्पल लिया हमने कि कैसे सिस्टम निकालते हैं कि हमारे पास कौन सी सिस्टम है। अगर d4 सिस्टम आई तो d में 4 इलेक्ट्रॉन, d6 आई तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, जो भी एग्जाम्पल देंगे इस एग्जाम्पल की सिस्टम निकालनी है कि कौन सी सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या कि उसके पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल है, उसकी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, उतने इलेक्ट्रॉन उसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से रिमूव करना है, बस उतना ही चाहिए। तो निकेल 28 था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू आया, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो डी में कितने बचे, 8, तो d8 सिस्टम। अब एग्जाम्पल लेते, देखिए CFT फॉर ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस। अब हमारे पास दो अलग अलग एग्जाम्पल है। सबसे पहले Fe(H2O)6+, फिर से वही रूल, Fe आयरन के एटॉमिक नंबर 26 आएगा, 26 मतलब 3d6 4s2। उसमें से टोटल ऑक्सीजन स्टेट प्लस टू है, चार्ज है 2+, H2O न्यूट्रल है, मतलब Fe कौन से स्टेट में है, प्लस टू में। तो इस केस में Fe प्लस टू स्टेट में है, प्लस टू स्टेट में मतलब दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन से करेगा, वो 4s में से ही करेगा। तो 3d6 मतलब d6 सिस्टम हमारे पास है। तो देखिए हमारे d के पास 6 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किए। तो इस एग्जांपल में Fe(H2O)6+ में d6 सिस्टम आएंगे। अब सेम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, FeCN6(4-). यहां पर भी प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट आएंगे क्योंकि टोटल आनी चाहिए -4, सीएन के पास -1, ऐसे 6 है इसलिए -6, तो Fe कितना होगा, प्लस टू। Fe प्लस टू मतलब फिर से d6 सिस्टम। मतलब ये दो जो एग्जाम्पल हमने लिए, दोनों एग्जाम्पल में हमारे पास ये Fe प्लस टू स्टेट में है, मतलब दोनों की स्टेट जो है d6 सिस्टम है, मतलब d में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये d के 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग के बाद फिल करना है। तो पहले देखिए कि Fe(H2O)H2O स्ट्रांग है कि वीक है, तो एक ब्रैकेट में लिखा है हमने वीक फील्ड लिगैंड। H2 अगर वीक फील्ड लिगैंड है तो वो स्प्लिटिंग क्या करेगा, कम करेगा, मतलब Eg और T2J के बीच में जो गैप है वो कम रहेगी क्योंकि वो वीक फील्ड लिगैंड है ये H2O। अब इलेक्ट्रॉन फील करना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, दूसरा और तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, अभी वीक फील्ड लिगैंड है, स्प्लिटिंग कम है, वीक है मतलब वो स्प्लिटिंग कम करेगा, तो वीक फील्ड अगर लिगैंड रहता है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन है वो चौथा है, उसके बाजू में पांचवा, और छठा वाला इलेक्ट्रॉन अब नीचे आएगा। तो इस तरह से हमने स्प्लिटिंग की, तो किसमें की हमने, वीक फील्ड में। तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन गए और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब सेम केस है Fe(CN6)4-, यहाँ पे भी Fe2+ सिस्टम है, d6 सिस्टम है, फिर भी यहाँ पे स्प्लिटिंग अलग होगी क्योंकि हमारे पास साइनाइड है। तो CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, अगर CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो वो स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, मतलब Eg और T2G में गैप ज्यादा रहेगी, एनर्जी गैप, अगर एनर्जी गैप ज्यादा रहेगी तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा क्योंकि 3 तक तो सेम है, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला एरो वाला, दूसरे सब ऑर्बिटल में दूसरा और ये तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन तो सेम है, चौथा इलेक्ट्रॉन अब ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, पांचवा भी नीचे रहेगा, छठा भी नीचे रहेगा। अगर सातवां इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो अब वो ऊपर जाएगा क्योंकि नीचे के सब फिल हो गए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वीक फील्ड लिगैंड एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये लिगैंड कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा कि वो एनर्जी डिफरेंस Eg और T2G में एनर्जी डिफरेंस, स्प्लिटिंग में डिफरेंस देगा और उसके बाद फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस देगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरने के सभी पेयरिंग करने की, अगर वीक फील्ड रहा
तो सभी सिंगल भरने के, नीचे भरने के, फिर ऊपर भी सिंगल भरने के ईजे में, फिर पेयरिंग करने की। तो अब देखिए यहाँ पे जो वीक फील्ड लिगैंड में हमने इलेक्ट्रॉन भरे, तो उसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, एक दो तीन चार, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब स्पिन ज्यादा बच गई। स्ट्रांग अगर फील्ड लिगैंड लिया हमने, तो देखिए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, क्योंकि सभी हमने पेयरिंग की, तो इसीलिए इसे क्या बोला, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन चौथा वाला नीचे भरते हैं, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर लेके जाते हैं। ये ट्रिक भी आप याद में रख सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स चौथा इलेक्ट्रॉन लो नीचे रहेगा। सो ये बेस्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, अगर लिगैंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। फिर से देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ द लिगैंड ऑन स्प्लिटिंग, वो तो है पहले ही देखा है कि स्प्लिटिंग, अगर यहाँ पे H2O है वीक है तो स्प्लिटिंग कम कर दी, साइनाइड है स्ट्रांग है तो स्प्लिटिंग ज्यादा कर दी। अब ये एग्जाम्पल है Cr H2O 6 2 प्लस, यहाँ पे D4 सिस्टम है, Cr CN6 4 माइनस, यहाँ पर भी D4 सिस्टम है, D4 मतलब चार इलेक्ट्रॉन है। अब चार इलेक्ट्रॉन H2 अगर रहेगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि H2O वीक फील्ड लिगैंड है, स्प्लिटिंग कम करेगा, एनर्जी गैप कम रहेगी, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, तो ये स्प्लिटिंग ऐसे हो गई। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा रहेगी, EG और T2G में एनर्जी गैप ज्यादा रहेगा, तो तीन इलेक्ट्रॉन तक तो सेम है, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा, तो यहाँ पे T2G में सभी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसमें दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्या बोलेंगे फिर हम, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जो एग्जाम्पल हमने लिए है वो एग्जाम्पल फिर से ट्राई कीजिए, दिस द हाउ वी कैन फील द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगैंड, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।